तो भाई आज हम बात करेंगे राउंड टू हेल की वीडियो के बारे में। दोस्तों ये इस साल की हमारी फर्स्ट वीडियो है यार, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसने ना किया हो। यार लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब दोस्तों हम बात करते हैं राउंड टू हेल की वीडियो ज़ॉम्बी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देख के आओ, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तो आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वो पार्ट देख के आओ। अब हम बात करते हैं ज़ॉम्बी 2 के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई है और इन लोगों ने पहले से ज़्यादा अपने आप को अच्छे से अच्छा साबित करने की पूरी पूरी कोशिश भी दिखाई दे रही है करती हुई। अब दोस्तों इस वीडियो की जो कहानी है, कहानी एक यूनिक कहानी है। ऐसी कहानी मुझे नहीं लगता मैंने किसी हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी में देखी होगी। इस वीडियो की कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है कि एक डॉक्टर मतलब तालिब जो है पीटर का खून लेके एडम में डाल देता है और एडम भी लगभग आधा ज़ॉम्बी हो जाता है जैसे कि पीटर होता है। पीटर भी इसमें ज़ॉम्बी दिखाया गया है और उसका खून एडम में होता है और एडम भी आधा ज़ॉम्बी होता है। तो वो अपने आप को पूरी तरह हावी नहीं होने देता ज़ॉम्बीज, मतलब जब एडम के अंदर ज़ॉम्बीज का खून आ जाता है तो एडम अपने अंदर पूरा हावी नहीं होने देता, वो अपने आप को उस चीज़ से रोकता है। अब दोस्तों इसकी जो कहानी है कुछ इस तरीके से चल रही है कि डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है और उस डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट कुछ लोग चुरा लेते हैं और वो लोग आम लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इनकी टीम में एक कैप वाला होता है ऐसे, वो इसका मेन विलन लग रहा है मुझे, क्योंकि एक सीन में ये दिखाया गया कि एक कार में एक बंदा बैठा होता है, वो एक सिक्का देता है बाहर जो खड़ा होता है, तो वो सिक्के वाला आदमी मुझे ये लग रहा है। हालांकि मुंह पे मास्क था इस वजह से चेहरा रिवील ना किया गया, तो ये अगले पार्ट में रिवील होगा। लेकिन लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में जब ये बिल्कुल लास्ट का सीन है उसके पास से एक सिक्का गिरता है और वहीं पे वो वीडियो ख़त्म है। मतलब ये इन्होंने दिखाया कि वो जो मेन जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ज़ॉम्बीज को जो है बढ़ा रहा है ना, वो ये बंदा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको शक भी जाएगा, क्योंकि एक सीन ये है कि जब ये एक कहीं साउथ में जा रहे होते हैं तो साउथ में जाते जाते इनको रात हो जाती है। अब रात हो जाती है तो इनको ठहरने के लिए घर चाहिए होता है, तो वहाँ पे इनको एक घर दिखता है और ये सारे के सारे सो जाते हैं और एक आदमी पहरा दे रहा होता है, तो वो भी पहरा देते थे सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसमें से दो आदमी गायब होते हैं, एक डॉक्टर गायब होता है और एक बंदा और होता है जो कैप में होता है, पतले से कैप में। अब ये लोग सोचते हैं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने गायब करा होगा, तूने गायब करा होगा। हालांकि गायब करने वाला अभी तक शो नहीं करा है, लेकिन मुझे ज़रा सा शक इस पे जा रहा है कि वो जो कैप वाला होता है वो उसने गायब करा, क्योंकि वो एक इंसानों को पकड़ के उनके अंदर ज़ॉम्बीज का खून डाल के वो लोग उन्हें ज़ॉम्बी बनाते हैं, तो वो उन्हें बांध के कहीं और ले जाता है और उन्हें एक पेड़ के सहारे बांध देता है। और बांधता भी कहाँ पर है, बिल्कुल ज़ॉम्बीज के बीच, मतलब ज़ॉम्बी उसे खा ले और वो भी ज़ॉम्बी बन जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा हो सकता है भैया। अब बात करते हैं इसमें एक्टिंग की, तो भैया सबसे अच्छी जो एक्टिंग मुझे लगी है वो नाज़िम की लगी है। नाज़िम ने इसमें बहुत ही अच्छा काम करा है और भी जो उनकी वीडियो है सबसे अच्छा काम उन्होंने इसी वीडियो में करा है। ज़ैन से बहुत उम्मीदें थी, हालांकि हो सकता है कि उनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का हो कि उन्होंने सीरियस ही एक्टिंग की है पूरी वीडियो में और सीरियस लेवल पे ही उन्होंने अपने कॉमेडी वाले डायलॉग भी बोले जो कि अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए था। अब बात करते हैं वसीम की। वसीम ने भी एक बहुत ही खूबसूरत अपने आप को दिखाया कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी लोग देखो। तो भाई लोग कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेके जा रहे हैं और बाकी देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। अगले पार्ट जब आएगा तो मैं उसका भी अपडेट आपको दूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो दोस्तों तो लाइक कर लो यार। आप लाइक नहीं करोगे तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा यार। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।